आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले रेटोज न्यू 90 टैबलेट के बारे में। रेटोज न्यू 90 टैबलेट डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। इसमें ट्रोकोब्जिक 90 mg कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइस MRP लगभग 168 रुपए है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं रेटोज टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। सबसे पहले जानते हैं रेटोज न्यू 90 टैबलेट के यूजेस के बारे में। रेटोज न्यू 90 टैबलेट का इस्तेमाल पेन रिलीफ में किया जाता है। ये रूमाटाइटिस, आर्थराइटिस, एंकलोसिस, अर्थोराइटिस जैसी कंडीशन में दर्द और इंफ्लामेशन से राहत देता है। दर्द निवारक रेटोज नियो 90 टैबलेट जो कि शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ में इंफ्लामेशन और स्वीलिंग जैसी कंडीशन में ज्वाइंट एंड मसल को रिलैक्स करता है। यह मस्तिष्क में कुछ ऐसे रसायनों को ब्लॉक करता है जिनसे दर्द और बुखार उत्पन्न होता है। अधिकतम फायदे के लिए डॉक्टर के बताए दिशा निर्देशों के अनुसार ही ले। जरूरत से ज्यादा खुराक या लंबे समय तक इसका सेवन ना करें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर आपको सबसे कम पावर वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए ही सही ढंग से असर करे। अब जानते हैं रेटोज टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा से होने वाले ज्यादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से इसका सेवन करने से ये साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ले। रेटोज के सामान्य साइड इफेक्ट जैसे पेट में दर्द, उल्टी, मिचली आना, एडिमा, सूजन जैसे लक्षण शामिल है। अब जानते हैं रेटोज टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें या डोसेस के बारे में। इसे साबुत निगले, इसे ना ही चबाए, ना ही कुचले और ना ही तोड़े। रेटोज टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे आप आपकी दवाई लेना नहीं भूलेंगे। अब जानते हैं रेटोज टैबलेट किस प्रकार काम करता है। रेटोज न्यू 90 टैबलेट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी NSAID है जिसे COX-2 इनहिबिटर भी कहा जाता है। यह दर्द और सूजन का कारण बनने वाली कुछ केमिकल के रासायनिक मैसेंजर को रोककर काम करता है। अब जानते हैं इसे यूज करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में। अन्य NSAID जैसे कि आइबुप्रोफेन या नेक्रोक्सेन की तुलना में इस दवा से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इसके कारण चक्कर और थकान हो सकती है। जब तक आप ये नहीं जानती कि यह दवा आप पर कैसा असर डालती है तब तक गाड़ी चलाने या मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता वाला कोई भी काम न करें। इस दवा से इलाज के दौरान शराब न पिए क्योंकि ऐसा करने से आपको बहुत अधिक सुस्ती आ सकती है। इसे लेने के समय नियमित रूप से आपके ब्लड प्रेशर की निगरानी करें, विशेष रूप से इलाज शुरू करने के बाद पहले 2 सप्ताह में। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।